तो वेलकम बैक टू गाइस माय चैनल प्लेइंग फ्रेंड्स। और आप उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। और आज हमारे साथ मैं सब फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। तो आज हम जिस मूवी का टीजर लेके हैं उसका नाम है फतेह। तो आज हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं सोनू सूद एंड जैकलिन फर्नांडिस। दोनों की एक्टिंग और उसके एक्शंस को तो सब लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं। सब जानते हैं कि वो कितनी एक्शंस मूवी करते हैं, और जिस कभी कभार कुछ कॉमेडीज मूवी में भी आते हैं तो उसमें भी वो बहुत सुपर हिट करते हैं। तो देखते हैं कि वे फतेह में ऐसा क्या है कि जो सबके दिलों को फतेह करेगा या नहीं करेगा, ये तो बाद में पता चलेगा। तो ये सोनू काफ़ी अच्छे बात मूवी में वेलकम बैक हुए हैं, और देखते हैं इस मूवी में क्या वो न्यू एक थीम क्या है इस मूवी में उनकी। अभी तक तो जितना लग रहा है वो काफ़ी एक्शन मूवी लग रही है, और जो ये ब्रेक लेके आए हैं तो लगता है काफ़ी कुछ हिट होने वाला है। कि ये ब्रेक जो इनके लिए था, उन्होंने अपने आप को काफ़ी फिट, तो वो पहले ही थे, तो मेरे ख्याल इस मूवी के लिए उन्होंने और अपने आप को फिट किया है। और देखते हैं कि ये फतेह लोगों को कैसे फतेह करती है, और काफ़ी कमाल की होने वाली है क्योंकि इनकी जोड़ी भी फर्स्ट टाइम नज़र आ रही है हमें, सोनू की और जैकलिन की। तो देखते हैं लोग इन्हें कितना पसंद करते हैं, इनकी जोड़ी को कितना पसंद करते हैं। वैसे तो उन्हें सभी पसंद करते होंगे क्योंकि जैकलिन शी इज़ सो प्रीटी एंड सोनू भी बहुत सुपर हिट है और बहुत हैंडसम है, तो काफ़ी लोगों को पसंद है, बहुत अच्छी और काइंड इंसान है। तो देखते हैं कि ये मूवी सबको कैसे किस नज़रिए से देखते हैं। सुपर हिट होने वाली है मूवी, तो देखते हैं टीजर को। तो चलते हैं टीजर की तरफ बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो जीर मैं साहब रेडी है जी, बिल्कुल। तो चलते हैं टीजर की तरफ, लेट्स प्ले द वीडियो। पता है 19 मार्च को तुमने 40 आदमी 50 40 नहीं 50 10 की बॉडीज कभी मिलेंगी नहीं। कुछ कहना है तुम्हें? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्या लगता है तुम्हें, जो तुमने किया सही किया? जो आया है वो जाएगा, सृष्टि का नियम है। अब तुम कहोगे कि तुम उनके साथ फंस गए थे? मैं नहीं, वो मेरे साथ फंस गए थे। जैसे कि आपने देखा टीशर्ट बहुत ही कमाल का था, फुली एक्शन था। और मैं साहब आपने एक चीज़ और नोट की कि जैसे स्टार्टिंग में इनकी एक पंच लाइन थी कि उनसे पूछा जाता है सोनू, हाँ, कि 19 मार्च को आपने 40 लोगों को मारा, तो कहता है नहीं 40 नहीं, मैंने 50 लोगों को मारा। और कहते हैं फिर बाद में वो कहते हैं कि आप उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे, तो सोनू सूद आगे से कहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कि वो बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके वो शर्मिंदा या एम्बेरस नहीं है कि उन्होंने इतने लोगों को मारा, बल्कि वो हैप्पीली बता रहे हैं कि उन्होंने 40 नहीं, उन्होंने 50 लोगों को मारा है। और एक और चीज़ वो उसमें बोली गई है कि जो 10 लोगों को मैंने मारा है उनकी डेड बॉडीज भी आपको मिलेगी। इतनी बेरहमी से मारा उन्हें, और इसमें कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जहाँ पे वो इतनी बुरी तरह से उन्हें हिट करते हुए दिखा रहे हैं, और सोनू के भी बॉडी पे कुछ ऐसे वो निशान दिखाई जा रहे हैं कि जैसे वो बहुत फाइटिंग और खुद को भी वो चोट लग रही है, तो इतना बोधर ही नहीं कर रहे उन्हें, बस वो टारगेट बनाया हुआ है कि उन्होंने लोगों को मारना है। अब इसके पीछे भी पता नहीं क्या स्टोरी है कि वो क्यों लोगों को मार रहे हैं। और जैकलिन को भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, हाँ, अभी बिल्कुल, बल्कि उनका चेहरा भी रिवील नहीं किया, उनकी सिर्फ वो हाफ फेस आइज नजर आ रही है जिसमें वो कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। अब ये मूवी देखेंगे तो पता चलेगा कि उनका रोल है क्या इस मूवी में। बाकी अभी तक तो बहुत इंटरेस्टेड लग रहा है, सस्पेंस है कि अब देखेंगे आखिर ऐसा क्या या ऐसा क्या होगा जिसको हम
ताकि फुल स्टोरी पता चले। एक्शन वाली मूवी होने वाली, और जो एक्शंस को पसंद करते हैं तो उनके लिए ये सुपर हिट मूवी होने वाली है, सुपर हिट मूवी होने वाली है। और जो एक और इनका एक और डायलॉग था जिसमें कहते हैं कि सोनू सूद को बोला जाता है कि आप इनमें फंस गए थे क्या, तो आगे से रिप्लाई आता है कि नहीं मैं नहीं, ये मेरे में फंस गए थे, इनकी वजह से, मतलब उनको मारता है और काफ़ी एक्शन। और एक और बड़ा सीन था कि एक फाइट कर रहे होते तो उसके फेस पे टेबल मारा जाता है, बहुत बुरी तरह से, बहुत हैवी सीन था। और जो है ना डायरेक्ट बाय सोनू सूद आ रहा था, मतलब कि मूवी भी डायरेक्ट बाय सोनू सूद ने की है खुद, तो मूवी बहुत ही कमाल की होने वाली है, टीजर देख के पता चल रहा है। इसमें सोनू फुल मिस्ट्रीज पर्सनैलिटी दिखाई गई है, अभी तक उन्हें कोई समझ नहीं सका, और जो भी उनसे कोई क्वेश्चन किया जा रहा है तो वो उन्हें उल्टा ही जवाब दे रहे हैं, तो अभी अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं कि स्टोरी क्या, ये मूवी क्या। बट अभी तक उन्होंने सिर्फ थोड़े सेक्शंस दिखाए हैं, कोई सॉन्ग्स रिवील नहीं अभी तक इनका हुआ। और जैकलिन भी पता नहीं उसका क्या रोल है, कि वो कंप्यूटर को कर रही है या कुछ हैक कर रही है या वो सोनू की हेल्प कर रही है या, अब देखो मूवी देखने पे पता चलेगा कि दरअसल की स्टोरी है क्या। और बाकी देखने में काफ़ी मिस्ट्रीज और इंटरेस्टेड लग रही है, जोड़ी भी लग रहा है कि अच्छी लगेगी, जैसे कि फाइटिंग वाली मूवी है, मुझे लगता है जैकलिन फर्नांडिस भी हमें एक्शन में दिखाई देगी फुल। तो बाकी जो जो हमारे चैनल्स पे न्यू है, चैनल्स को सब्सक्राइब करते बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताएं कि हम आने वाले डेज में किन मूवीज पे रिएक्ट करें, आपको कौन से हीरो एंड हीरोइंस पसंद है, वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और कमेंट्स में बताइएगा कि हमारे रिएक्शंस आपको कैसे लग रहे हैं, आप हमें पसंद कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, लाइक्स भी कीजिएगा। और कि और मेरे रिएक्शंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक दे हमें, थैंक यू सो मच।